हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो मैंने आपको लूप के बारे में डिटेल्स बताई थी। अगर आपने लूप की वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको जावास्क्रिप्ट के डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के डायलॉग बॉक्स होते हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। इस तरीके से गाइस जावास्क्रिप्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लूप के बारे में भी डिटेल्स बताई थी कि लूप कितने टाइप्स के होते हैं और कितने तरीके से हम उसको एक वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स बता चुका हूं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको जावास्क्रिप्ट का एक और नया टॉपिक बताने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के डायलॉग बॉक्स होते हैं और उसको हम एक वेबसाइट पर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस पूरा जावास्क्रिप्ट कवर करने वाले हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि गाइस आज हमारी जावास्क्रिप्ट की 15 नंबर क्लास है, तो मैं पेज को सेम प्रोसीजर से सेम फोल्डर में 15.html से पहले सेव एज कर लेता हूं, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया। सबसे पहले फाइल को सेव एज कर लेते हैं। सेम लोकेशन में ही करूंगा मैं। डेस्कटॉप पे मेरे वेब डिजाइन जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, इसके अंदर 15.html, पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो जाए। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं एचटीएमएल का। जावास्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्स आज इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, तो मैंने टाइटल में डाल दिया है। बॉडी टैग एंड गाइस डायलॉग बॉक्स जो होते हैं जावास्क्रिप्ट में, मींस कुछ पॉपअप बॉक्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट में तीन तरीके के डायलॉग बॉक्स सपोर्ट करते हैं। पहले मैं कमेंट में उन तीनों के नाम लिख देता हूँ, फिर वन बाय वन आपको एग्जाम्पल के थ्रू उसको लगा के दिखाऊंगा। तो गाइस जावास्क्रिप्ट के डायलॉग बॉक्स मीन्स जो पॉपअप पे आपके आते हैं, तीन तरीके के डायलॉग बॉक्स होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स। कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, सबसे पहले मैं आपको जो हम एक यूज कर भी चुके हैं जिसको विंडो डॉट अलर्ट या सिंपल अलर्ट बोलते हैं, जो आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप पे कोई भी मैसेज दिखा सकता है, तो उसके लिए हम वो भी एक डायलॉग बॉक्स की कैटेगरी है। तो सबसे पहला बॉक्स वही है हमारा विंडो डॉट अलर्ट, इस तरीके से, या सिंपल हम इसको अलर्ट फंक्शन के थ्रू इस तरीके से भी लिखते हैं, तो ये एक डायलॉग बॉक्स होता है। दूसरा जो आज आपके लिए एक नया है, अलर्ट के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं, जिससे जितने भी हमने आउटपुट दिखाए थे मोस्टली सब अलर्ट के थ्रू ही पॉपअप पे दिखाया था। दूसरा जो डायलॉग बॉक्स मैं आपको आज बताऊंगा वो आपका प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट बॉक्स बोला जाता है। प्रॉम्प्ट बॉक्स किस लिए यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। देन थर्ड हमारा कंफर्म बॉक्स होता है, कंफर्म बॉक्स। तो ये तीन तरह के डायलॉग बॉक्स है गाइस। कंफर्म बॉक्स किस लिए यूज होगा, कैसे यूज होगा, वो भी एक आपको एग्जांपल में करके दिखा दूंगा। तो तीन तरह के डायलॉग बॉक्स है जिसमें से हम अलर्ट पढ़ चुके हैं। अलर्ट के बारे में हमने आपको सारा जो पिछली वीडियो में सब अलर्ट के थ्रू ही हमने किया था। वीडियोज अगर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। अलर्ट मीन सिंपल होता है, विंडो डॉट अलर्ट या अलर्ट लगाओ। मेन है आज आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स और आपका कंफर्म बॉक्स किस तरीके से यूज होता है, उसका मैं आपको एग्जांपल लगा के दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करें। गाइस अलर्ट का पहले एक छोटा सा दोबारा से एक एग्जांपल रिपीट करता हूँ, जिससे आपको रिकॉल हो जाए कि अलर्ट कैसे यूज हो रहा है। तो लाइक कोई भी एक आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी अलर्ट का, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल एक बॉक्स में दिखा रहा हूँ कि कोई भी आपको मैसेज प्रिंट कराना हो तो अलर्ट या विंडो डॉट अलर्ट जिसको हम बोलते हैं उसके थ्रू लगा सकते हो। तो विंडो डॉट अलर्ट, वेलकम टू माय साइट, लाइक मैंने इस तरीके से विंडो डॉट अलर्ट के थ्रू दिखाया। तो ये अलर्ट जो होता है वो डिपेंड होता है ब्राउजर टू ब्राउजर। कई ब्राउजर्स में ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन दिखाता है आउटपुट, कई पे आपका टॉप ऑफ द स्क्रीन पे भी दिखाता है, बट जो भी आएगा पॉपअप पे आउटपुट ही दिखाएगा हमेशा। डिपेंड होता है ब्राउजर आप कौन सा इसको टेस्ट कर रहे हो, किस पे आप ये स्क्रिप्ट चला रहे हो। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं जो हमारा 15.html है। तो देखिए जैसे मैंने पेज खोला तो मेरा अलर्ट चल गया वेलकम टू माय साइट। तो
गूगल क्रोम पे मैंने खोला, तो गूगल क्रोम पे इस तरीके से सेंटर ऑफ द स्क्रीन टॉप पर ये विजिबल हो रहा है। तो ये इसमें जस्ट एक आपका डायलॉग बॉक्स में एक मैसेज होता है और आपका एक ओके बटन आता है। इसमें मींस अलर्ट में हम और कुछ अपना एड ऑन नहीं कर सकते हैं, अलर्ट में जस्ट दिस इज अ वेब पेज से ये मींस ऐसे आ रहा है, तो ये वेब ब्राउजर का मैसेज है, ये ऐसे ही आएगा और यहाँ पर हमारा जो भी हमने मैसेज डाला है वो वाला मैसेज आपको दिख रहा है और जस्ट एक ओके बटन है, मींस आपने मैसेज को रीड कर लिया और उसको ओके करके प्रेस करके सब क्लोज कर सकते हैं। ये सिंपल अलर्ट बॉक्स होता है। अब जो बाकी जो है देन हमारा सेकंड बॉक्स है प्रॉम्प्ट बॉक्स, वो कैसे लगता है वो आपको बेसिकली समझना है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अब गाइस जो आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स है जावास्क्रिप्ट का, मीन जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कोई यूजर से पॉपअप के थ्रू आउटपुट आपको लेना है यूजर से, तो हम प्रॉम्प्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं। पहले मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ कि पॉपअप आपका किस तरीके से प्रॉम्प्ट बॉक्स से हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से और उसको हम कैसे यूज करेंगे, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू उसको लगा के दिखाऊंगा। तो मैं सिंटैक्स लिखते हैं गाइस कि प्रॉम्प्ट बॉक्स किस तरीके से काम कर रहा है। कमेंट डाल दिया और इसका मैं सिंटैक्स लिखूंगा। सिंटैक्स फॉर प्रॉम्प्ट बॉक्स, तो प्रॉम्प्ट मींस आपको कोई भी एक पहले वेरिएबल ले लेना है, मींस यहाँ पर आप कोई भी एक वेरिएबल लोगे, इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट इज अ कीवर्ड, तो आपको कीवर्ड लिखना है। देन आपका यहाँ पर जो भी आपको मैसेज डालना है वो मैसेज आप डाल सकते हो। देन इस कोमा, इसमें दो पैरामीटर होते हैं प्रॉम्प्ट में, एक मैसेज होता है और एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ये ऑप्शनल है डिफॉल्ट वैल्यू, बट मैसेज इज अ कंपलसरी, आपको मैसेज प्रॉम्प्ट में डालना ही होगा। तो इस तरीके से मैंने ये प्रॉम्प्ट बॉक्स का सिंटैक्स लिखा है। अब इसको कैसे यूज करेंगे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू उसको लगा के दिखाता हूँ। मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाऊंगा इफ एल्स का और उसके थ्रू उसको यूज करूंगा। स्क्रिप्ट, देन एक फंक्शन लिख लेते हैं लाइक टेस्ट नाम से बना लेते हैं। कैसे भी आप यूज कर सकते हैं, विदाउट फंक्शन भी कर सकते हो। मैं फंक्शन बना के बटन पे उसको ऑन क्लिक पर कॉल कराने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट बॉक्स से यूजर से इनपुट लूंगा, कैसे लिया जाएगा मेन इसमें आपको ये चीज समझनी है। तो फंक्शन में मैंने फॉर एग्जाम्पल एक वेयर करके एक वेरिएबल लिया और एक एज नाम से मैंने इसमें आपका वेरिएबल ले लिया और उसे प्रॉम्प्ट लगा रहा हूँ। यहाँ लिखा मैंने एंटर योर एज समथिंग, इस तरीके से एक मैसेज डाल दिया। डिफॉल्ट वैल्यू आपको डालना ही डालना, एक ऑप्शनल है, फिलहाल मैं डाल देता हूँ, मैंने जीरो डाल दी। आप इसे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ऑप्शनल होती है। तो मैंने इस तरीके से प्रॉम्प्ट में जो भी पहले अब ये फंक्शन जब चलेगा, तो एक तरीके से पहले आपका पॉपअप बॉक्स आएगा, उस पॉपअप बॉक्स में लिखा हुआ होगा ऊपर एंटर योर एज और एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आएगा और उस टेक्स्ट बॉक्स में जीरो वैल्यू पहले से डली हुई आएगी क्योंकि हमने इनिशियलाइज जीरो से कर दिया। उसको नहीं डालोगे तो ब्लैंक आएगा टेक्स्ट बॉक्स। तो जो भी आप यूजर उसमें वैल्यू पुट करेगा टाइपिंग करके, तो वो वैल्यू हमारी एज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। देन आप जो भी इसके आगे प्रोसेस करना चाहते हो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इफ एल्स लगा रहा हूँ, इफ एज जो हमने वेरिएबल में वैल्यू लिया अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो आपका मैसेज जो दिखाना है वो दिखा सकते हो। लाइक अभी जैसे सिंपल हमने अलर्ट देखा था वैसे अलर्ट में दिखा रहा हूँ। इसमें जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरीके से मैंने एक मैसेज दिखा दिया। एल्स अगर आपकी एज 18 से कम डाली, अगर आपने यूजर ने जो भी वो इनपुट करेगा 18 से अगर कम डाल रहे, तो एल्स पार्ट चल जाएगा और उसमें अलर्ट आ जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो जस्ट एक सिंपल इफ एल्स लगा दिया मैंने और ये मेरा फंक्शन टेस्ट वाला यहाँ बंद हो गया। फंक्शन बनाया है तो ऑब्वियसली उसको बटन पे कॉल कराना पड़ेगा, तो एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ ऑन क्लिक के बटन को कॉल करा लेते हैं। ये एक तरीके से फंक्शन कैसे बनाया जाता है वो चीज बताइए आपको, और ऑन क्लिक इवेंट होता है, इवेंट के बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब वो फंक्शन जो मैंने बनाया टेस्ट फंक्शन मैंने ऐसे कॉल कर लिया। ठीक है, अब एक बार इसको चला के देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो पहले हमारा वही चला अलर्ट बॉक्स जो हमने पहले लगा रखा था वेलकम टू साइट। अभी एक तरीके से ये सबमिट बटन जो मैंने बनाया, इसमें मैं जैसे ही सिंगल क्लिक करूंगा तो फंक्शन आपका चलना चाहिए। तो फंक्शन जैसे ही आपका चला तो प्रॉम्प्ट बॉक्स खुल गया, फंक्शन रन हो गया। तो उसमें ये लिखा हुआ है एंटर योर एज जो हमने मैसेज दिया था, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते थे,
और सेकंड पैरामीटर भी मैंने जीरो दिया था जो टेक्स्ट बॉक्स से पहले डली हुई आई है। अगर आप इसमें नहीं डालोगे तो ब्लैंक आएगा, ये ऑप्शनल होता है। तो अगर इसमें मैंने लाइक 12 डाला तो ओके करूंगा, ओके और कैंसिल, इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में दो बटन आया, कैंसिल मीन्स एक तरीके से एल्स हो जाता है, ओके दबाओगे तो वो पूरा प्रोसेस चेक करेगा। ओके किया तो 12 यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, मीन्स एल्स पार्ट चला क्योंकि 12 18 से छोटा है। इसलिए अब मैं दोबारा से रन करता हूँ एक बार इसको, और हमें 18 से बड़ी वैल्यू लाइक मैंने इसके अंदर 27 डाल दिया और इसमें ओके किया तो एलिजिबल फॉर वोट मीन्स इफ पार्ट आपका रन हो तरीके से गाइस, आपका इफ एल्स या कोई भी कंडीशन यूजर के इनपुट पर डिपेंड होकर चल रहा है और यूजर से वैल्यू ले पा रहे हैं तो इसको हम प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू कर पा रहे हैं। बड़ी है बराबर है 18 से तो आपका एलिजिबल वाला मैसेज ओके वाला आ जाएगा, एल्स चल जाएगा अगर वो 18 से छोटा हुआ। प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू हमने इनपुट लेना सीखा है। जावास्क्रिप्ट का एक डायलॉग बॉक्स था एक सिंपली, इसमें ओके एंड कैंसिल दो बटन थे, अलर्ट में सिर्फ ओके बटन आता है। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको थोड़ा क्लियर हो गया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अब मैं नेक्स्ट आपको इसके बाद जो हमारा कन्फर्म बॉक्स है जावास्क्रिप्ट का वो किस तरीके से काम करता है अब उसके बारे में वो डिटेल्स बता देता हूँ। गाइस जब आपका कन्फर्म बॉक्स है, कन्फर्म बॉक्स मीन्स कन्फर्मेशन लेता है यूजर से, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपका ही वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट वगैरह या कुछ भी आप सबमिट करते हैं फॉर्म में, तो वो यूजर को सबमिशन से पहले एक कंफर्म पूछता है, आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस, ओके और कैंसिल, इस तरीके से दो बटन अवेलेबल होते हैं। अगर आप ओके प्रेस करते हो तो मीन्स वो फर्दर आगे प्रोसेस हो जाता है, कैंसिल करते हो तो आप स्टिल उसी स्टेप पे रह जाते हो जहाँ करंटली हो। तो इस तरीके की जो चेकिंग होती है यूजर से परमिशन लेना, मीन्स वो कन्फर्मेशन के साथ सबमिट कराता है, चाहे आप कोई भी एंट्री डिलीट कर रहे हो सबमिट कर रहे हो तो कन्फर्मेशन मीन्स एक कन्फर्म के साथ आपका प्रोसेस करेगा, उसको कन्फर्मेशन बॉक्स हम इसको बोलते हैं। कैसे लगाते हैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझा के दिखाता हूँ। कन्फर्म इज अ कीवर्ड, तो फंक्शन का नाम कभी भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए, तो मैंने एक CON नाम से कौन नाम से बना लिया, कुछ भी नाम आप दे सकते हो बस एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए जो फंक्शन का रूप। अब इसके अंदर एक वेरिएबल लिया लाइक यहाँ पर एक चेक नाम से वेरिएबल बना ले ली, वेरिएबल ले लिया मैंने, यहाँ कन्फर्म लिख रहा हूँ, कन्फर्म की स्पेलिंग यही लिखनी है आपको, और इसमें लिख रहे आर यू श्योर टू मूव समथिंग, मैंने एक इस तरीके से एक मैसेज डाला तो ये कन्फर्म में एक मैसेज हो गया, मीन्स जब ये फंक्शन में जो भी कॉल करूंगा तो ये मैसेज पहले चलेगा। अब जो भी आएगा इसमें ओके और कैंसिल दो बटन आते हैं गाइस कन्फर्म में, तो ओके मीन्स आप उसको फर्दर परमिशन दे रहे हैं, आप उसको आगे प्रोसेस कर पाओगे, और कैंसिल मीन्स स्टिल आप जिस पेज पर हो आप वहीं पे रुक जाओगे। तो चेक में मेरा कन्फर्म है ओके, और ये ओके मीन्स आपका ट्रू होता है, कैंसिल मीन्स फॉल्स होता है, तो क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रू और फॉल्स में ही चीजों को समझ सकता है। चेक में आपका जो आएगा अगर आपने ओके दिवाया तो मीन्स ट्रू आएगा, और कैंसिल दिवाया तो मीन्स फॉल्स हो जाएगा। तो हम इसी हिसाब से इफ एल्स लगाएंगे, इफ जो चेक हमने जिसने वैल्यू को कैच करा है इक्वल इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू मीन्स आपने ओके प्रेस किया है, इक्वल इक्वल टू ट्रू मतलब वो चेक कर रहा है, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि आप ओके भी प्रेस कर सकते कैंसिल भी, तो इक्वल इक्वल टू डबल ऑपरेटर ही लगाया जाता है। देन इसमें आपका ये आ जाएगा अगर आपने मूव टू गूगल वेबसाइट, तो मीन्स मैं गूगल वेबसाइट पर उस पेज को फर्दर पहुंचा सकता हूँ। अब इसमें एक पॉइंट आपको और समझना है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर एक पेज से दूसरे पेज पर जाना है तो आपको एक लाइन ये लिखनी पड़ती है जो मैं अब लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना, विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF, इधर आप जिस पेज पर उसको पहुंचाना चाहते हैं उसका URL पूरा डाल देंगे। तो मैं पूरा गूगल का URL डाल रहा हूँ, HTTP पूरा, अगर आप URL डालते हैं तो पूरा HTTP के साथ लिखा जाता है गाइस, ये ध्यान रखना है, google.co.in इस पे आपका चला जाएगा अगर ये ट्रू हुआ तो, अगर आपने ओके प्रेस किया तो। एल्स में मैं अलर्ट दबा रहा हूँ, प्रेस अलर्ट में डाल दूंगा कि अगर आपने कैंसिल प्रेस किया तो मीन्स एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा, यू प्रेस कैंसिल, यू प्रेस कैंसिल बटन समथिंग, एक ऐसा मैसेज दे दिया। तो ये गाइस आपका फंक्शन में मैंने पूरा कर दिया, अगर आप ओके दबाओगे तो मीन्स ट्रू होगा, ट्रू में मीन्स गूगल के पेज पर ले जाएगा। पेज पर ले जाने के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो अभी तक आपको नहीं बताई थी, मैंने अब बताई है आपको, विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF पेज को वन पेज टू अनदर पेज पर मूव करता है, और यहाँ पूरा URL डाल दिया गूगल का। और एल्स अगर आपने कैंसिल दबाया तो एक अलर्ट के साथ यू प्रेस कैंसिल बटन एक मैसेज आ जाएगा। मेरा एक तरीके से कन्फर्म फंक्शन के अंदर करा है, एक बटन दूसरा बना लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, ऑन क्लिक बटन का कॉल करेंगे
तो जब फंक्शन आपका एक तरीके से चल रहा है, तो ये आपका चल रहा है, तो इसमें फंक्शन को कॉल करेंगे con, इस तरीके से आप फंक्शन को सिंपली कॉल कर लिया, वैल्यू दे देते हैं बटन पे, बटन पे मैंने वैल्यू मीन्स बटन पे चेक लिखा हुआ, तो ये मेरा हो गया इस तरीके से। अब मैं इसको एक बार चला के देखता हूँ कि किस तरीके से मेरा आउटपुट ये चल रहा है, काम कर रहा है। रिफ्रेश किया तो पहले तो वो आपका डिफॉल्ट अलर्ट वाला मैसेज आ रहा है, फिर ये चेक सबमिट का भी दिखाया था आपको, प्रॉम्प्ट लगाया था। अब ये चेक वाले बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरा प्रोसेस करेगा, कन्फर्म बॉक्स आएगा, तो क्लिक किया मैंने, तो देखिए गाइस इसके अंदर ये मैसेज आया, आर यू श्योर टू मूव गूगल वेबसाइट, जो मैंने मैसेज डाला है वो, ये आप गूगल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, इस पर दो बटन आए हैं ओके एंड कैंसिल। अगर आप ओके दबाओगे तो मीन्स आपका इफ चल जाएगा और गूगल की वेबसाइट पर ले जाएगा, और कैंसिल दबाऊंगा तो आपका अलर्ट आके जाएगा यू प्रेस कैंसिल। पहले हम कैंसिल प्रेस करके देख लेते हैं, तो कैंसिल किया तो यू प्रेस कैंसिल मीन्स मेरा एल्स पार्ट आपका रन हो गया, तो अलर्ट में मैंने डाला था तो वो आया। अब दोबारा रन करते हैं, इसको चेक करते हैं एक बार कि गूगल वेबसाइट पे ले जा रहा है नहीं ले जा रहा, ओके किया तो आपका वो मेरा गूगल पेज पर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर गया पेज। तो इस तरीके से गाइस आप इसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हमने काम कर रहे हैं, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर होगा किस कन्फर्मेशन के साथ आपका यूज होता है। जब हम आगे वेबसाइट पर डेवलपमेंट पार्ट पर काम करेंगे तो इसमें हम जैसे कोई एंट्री को हमको डिलीट करना होता है तो हम कन्फर्मेशन के साथ डिलीट कराते हैं, या हमें कोई सबमिशन करना हो तो हम कन्फर्मेशन के साथ सबमिट कराते हैं कि यूजर को एक अलर्ट रहे कि हाँ वो फॉर्म सबमिट कर रहा है या वो कोई एंट्री डिलीट कर रहा है, तो कन्फर्म बॉक्स उस केस में यूज हो सकता है। आई थिंक गाइस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जावास्क्रिप्ट के डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस तरीके से और भी आगे चीजें टॉपिक कवर करने वाले हैं। अभी के लिए प्रैक्टिस कीजिए गाइस, आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।